एक बार रिपीट करते हुए चलना है क्वेश्चन को। पैरामीटर की क्वेश्चन होती है x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। अब इसमें क्या होता है, ये जो x1 y1 पॉइंट होता है ये फिक्स पॉइंट होता है, x1 y1 पॉइंट होता है ये एक फिक्स पॉइंट होता है, जो x ये x1 y1 हो गया, x कॉमा y कोई भी वेरिएबल पॉइंट होता है, कहीं भी ले सकते हैं इस पूरी लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। बताया था ना कि x कॉमा y होते हैं वो वेरिएबल पॉइंट्स होते हैं, किसी भी लाइन या किसी भी कर्व में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लिए जा सकते हैं। थीटा जो होता है वो स्लोप वाला एंगल होता है, थीटा इस स्लोप एंगल, स्लोप एंगल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ या क्षैतिज एक्सिस जो होता है उसके साथ एंगल होता है। और आर जो डिस्टेंस होता है ये पी मान लो, तो जो फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस होती है उसको आर बोलते हैं। फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है उसको आर बोला जाता है। रिपीट इसलिए हमने इसको किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये टेंथ क्लास में भी है लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत कम कराए जाते हैं कहीं तो, इसलिए जो हम लोग के इलेवन ट्वेल्थ में आता है इलेवन में आ जाता है और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लाइन कुछ है नहीं, सिंपल अगर इसको लोगे तो साइन थीटा को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा इन टू एक्स माइनस एक्स वही सेम लाइन आ गई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है लेकिन डिस्टेंस जहां कहीं भी थ्योरी में पूछी जाती है वहां पर इस लाइन का यूज किया जाता है। तो हम चार पांच एग्जांपल इसके करवा रहे हैं, इसमें से पहले कुछ इजी करवाएंगे फिर एक आध डिफिकल्ट भी करवा देंगे तो इससे तुमको इसकी इस लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एनडीए के एग्जामिनेशन में पिछले कई साल से हम देखते हैं लगातार 24 में भी 23 में भी 22 में भी कि इस लाइन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं, किसी को नहीं मालूम पेपर में कहां से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, हमें भी नहीं मालूम कि हो सकता है इस बनना है इससे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उसमें। तो कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नोट करो। The slope of the straight line through the slope of the straight line through a point है 3.2 is 3/4 is 3/4 find the coordinate of the points on the line 5 units away from a। मतलब एक लाइन ऐसी है जिसका स्लोप हमको दिया गया है, उसका पॉइंट दिया गया है, तो लाइन तो हम निकाल सकते हैं, लाइन में कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि तो अब इसमें देखो क्वेश्चन में लाइन में हमको दो चीज जरूरत होती है हमेशा, स्लोप पॉइंट दिया गया हो, दो पॉइंट दिया गया, मतलब कोई भी दो चीजें दी गई हो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्यों हो सकता है, दो चीजें दी गई होती है लाइन इसलिए निकाल सकते हैं, दो पॉइंट दिया गया तो दो पॉइंट वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दो, स्लोप और पॉइंट दिया गया तो वाई माइनस वाई वाली एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स, मतलब दो चीज जरूरत होती है लाइन में, सर्किल में तीन चीज जरूरत होती है, लाइन में दो चीज जरूरत होती है। तो अब लाइन तो हम निकाल सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइन हमने निकाल ली, मान लो कोई भी लाइन है, ये ए 3.2 से जा रही है,
अब इसमें कहा है कि लाइन की इक्वेशन निकल आएगी, अब इसमें कहा पांच डिस्टेंस नापनी पड़ेगी इसकी और ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म लगाओगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी होता है। पैरामीट्रिक इसलिए हमने कहा ना चार पांच क्वेश्चंस के करवाएंगे। पैरामीट्रिक में क्या करोगे, हमने बताया था एक पॉइंट से जाने वाला, तो इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 3 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। r की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ध्यान समझना, एक एक स्टेप ध्यान समझना, क्योंकि थोड़ा हम इसको स्लो बता रहे हैं, आराम आराम से बता रहे हैं। ये इक्वेशन हो गई, जो पॉइंट हमको फाइंड आउट करना होता है वो x कॉमा y हमने कहा लाइन में हम कहीं भी ले सकते हैं, कितनी बार भी ले सकते हैं, इसके ऊपर रोक नहीं होती। तो अब ये जो हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है इसको हमने x y का x कॉमा y अज्यूम कर लिया। जो चीज जरूरत होती है उस पॉइंट को हम उस लाइन में कहीं भी और कितनी बार भी ले सकते हैं। यहां पे एक ही बार लेना है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, दो बार तीन बार कितनी बार भी ले सकते हैं, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत जो पड़ेगी क्वेश्चन में वो एक बार या दो बार या तीन बार मैक्सिमम। तो अब यहां से क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3, समझ में आ ना इन दोनों को, और सेकंड वाले को करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 sin थीटा प्लस 2। अब हमको x y निकालना है, थीटा हमको मालूम है, थीटा स्लोप का एंगल है, स्लोप का एंगल कितना दिया हुआ है 3/4। एक ट्रायंगल बना लिया करो स्लोप वाले एंगल के लिए, थीटा 3/4 टेन थीटा होता नहीं है, थ्री बाई फोर टेन थीटा हो गया 3/4, तो टेन थीटा 3/4 हमको चाहिए कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए, ये 5 हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कट ध्यान से, ये सब एक लाइन में क्वेश्चन होता है, इतना आसान मेथड होता है कहीं तो पैरामीट्रिक का। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे और पैरामीट्रिक सीख जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बुक्स में बहुत बड़े दिए गए, पैरामीट्रिक एक लाइन में होता है क्वेश्चन। 6.6 आंसर देख रहे हैं, नहीं 6.6 तो नहीं आ रहा, 7.5 लिखा हुआ है कहीं, यहाँ पर दो वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 5 × 4/5 प्लस 3 6 कहाँ से आ गया, और 5 × 3/5 7.5 आ गया, अब इसमें देखो दो इसमें एक चीज और रह गई बाकी रह गई, पॉइंट ये तो नहीं कहा था कि लाइन के पॉइंट पॉइंट जो हमको फाइंड आउट करना था ये उस पॉइंट के आगे दिया गया था, ये जरूरी नहीं हो सकता पीछे होता, भाई 5 मालूम तो नहीं, 5 डिस्टेंस किधर है, इधर साइड में कि नीचे साइड में है, तो ये डिस्टेंस 5 इधर भी हो सकती थी, डिस्टेंस तो 5 कहीं भी हो सकती थी। अभी साइन कन्वेंशन बताएंगे, साइन कन्वेंशन में होता है किसी पॉइंट का अगर हम एक साइड पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा साइड अपने आप नेगेटिव हो जाता है, ये साइन कन्वेंशन होता है इसके आगे आगे वाले पार्ट में, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं उसमें, कहते अगर किसी पॉइंट को हम बीच में लेते हैं तो उसका एक साइड जैसे ओरिजिन लेते हो जीरो बीच में तो इधर राइट साइड पॉजिटिव होता है लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाता है, तो वैसे ही होता है किसी भी पॉइंट को लेंगे उसका एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा एक साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो दो तरीके होते हैं करने के, यहाँ पे हम प्लस माइनस करके भी कर सकते थे, यहाँ प्लस माइनस इधर प्लस हो गए उधर माइनस हो गए। दूसरा एक तरीका होता है जो हम अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमें वो दोनों मेथड एप्लीकेबल है, दोनों अच्छे मेथड है, कोई नहीं। हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि टेन थीटा की वैल्यू 3/4 दी गई है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, एएसटीसी होता है, एएसटीसी तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो ये जो स्लोप टेन थीटा 3/4 लिया गया ये हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो ये हो गया हमारा, और थर्ड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस 3/5 और कॉस थीटा, तो एक आंसर ये हो गया, एक इससे निकाल लोगे दो पॉइंट आएंगे हमेशा, एक इससे फाइंड आउट कर लो क्या आ रहा है। यहां पर प्लस माइनस करके भी कर सकते हो,
लेकिन प्लस माइनस करने में कभी कभी गड़बड़, मतलब नॉर्मली गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में दिया होता है तो उन लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक बार साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव देना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव देना होता है, तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो बेटर इससे कर दिया करो। और तुमको सीधा तरीका बता दें, अगर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है, तो एक बार साइन कॉस दोनों पॉजिटिव लेने और एक बार साइन कॉस दोनों नेगेटिव लेने। अगर टेन थीटा नेगेटिव दिया गया है तो एक बार साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव लेना है और एक बार साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव। मतलब ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट छोड़ो, सिंपल सा चीज है। अगर टेन पॉजिटिव दिया गया है तो एक बार दोनों पॉजिटिव लेने, एक बार दोनों नेगेटिव लेने। अगर टेन थीटा नेगेटिव दिया गया है तो एक बार साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव और एक बार साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। सिंपल सा याद रखोगे तो क्वाड्रेंट में जीरो की नहीं। इससे दूसरा पॉइंट निकालो कितना है, माइनस वन कॉमा माइनस वन। ले लोगे ना क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ये तो हम बुक से करवा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि एनडीए में आया कि नहीं आया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, ए लाइन पासेस थ्रू, ए लाइन पासेस थ्रू ए 1.2, जैसे ही लिखा था 3.2 वैसे ही 1.2 एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्ट द लाइन, एंड इंटरसेक्ट द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एट पी, एट पी फाइंड डिस्टेंस ए पी, फाइंड ए पी। रिपीट कर देना क्वेश्चन, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1.2, ए पॉइंट है 1.2 एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्ट्स द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एट द पॉइंट पी, फाइंड ए पी। मतलब आपकी बार ये ए पी निकालना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, आपकी बार ए पी फाइंड आउट करना। पॉइंट ए दिया है, बदल दिया पॉइंट, पॉइंट ए दिया है 1.2, पॉइंट ए 1.2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना चालू करो, फिर हम इसको बताते हैं कैसे। पहले लाइन की क्वेश्चन लिख लो, लाइन की क्वेश्चन तो लिख सकते हो, x माइनस वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल वाई माइनस वन वाई माइनस टू अपॉन साइन थीटा। चौथो 60 डिग्री एंगल दिया, यहाँ 60 डिग्री एंगल लगा लो, x माइनस वन अपॉन कॉस 60 इज इक्वल वाई माइनस टू अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू आर, आर निकालना आपकी बार, पिछली बार आर दिया हुआ था, आपकी बार ए पी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पिछली बार ए पी 5 गिवन था, आपकी बार ए पी फाइंड आउट करना है। ध्यान देना जब क्वेश्चन को पहले समझो, एक दो तीन क्वेश्चन समझो, इसके बाद करना अपने आपसे। ए पॉइंट दिया गया 3.1.2, अब इसमें स्लोप एंगल 60 डिग्री दिया, वो मालूम है एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप एंगल होता है, अगर वाई एक्सिस दिया होता तो 90 माइनस कर देते हैं, तो एक्स एक्सिस एंगल क्या स्लोप एंगल के, मैंने ज़्यादा इसमें घुमाते नहीं क्वेश्चन को, हमेशा स्लोप एंगल दे देते हैं, तो 60 डिग्री का स्लोप एंगल है, तो इस लाइन की क्वेश्चन कैसे लिख सकते हो, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पिछली बार आर 5 दिया हुआ था, अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कहा गया है कि वो आर फाइंड आउट करो, मतलब वो डिस्टेंस फाइंड आउट करो जिसको एक लाइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लाइन यहां पे कट कर रही, वो डिस्टेंस निकालो, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मान लो ये लाइन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ये लाइन है, अब ये P पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नॉर्मल मेथड तो ये हमारा कहते हैं, इस लाइन के क्वेश्चन को मालूम है, एक पॉइंट मालूम, स्लोप मालूम, y - y = m times x - x1,
इस लाइन को सॉल्व कराओगे पी पॉइंट आएगा, एपी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। ये प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, कहीं एग्जामिनेशन में भी करोगे तो फंसोगे और कभी कभी अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाती है तो बहुत टिपिकल हो जाता है। बुक्स में बहुत सारी बुक्स में ऐसे ही किया हुआ है कि पहले क्या करते हैं लाइन निकालते हैं, इसके बाद दूसरी जो गिवन लाइन होती है उसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट आता है उस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, कहते हैं कि हमने बताया था एक्स कॉमा वाई हम कहीं भी ले सकते हैं जहां माना है, तो हमने अब की बार एक्स कॉमा वाई यहां लेनी है। एक्स कॉमा वाई पॉइंट जो है वो गिवन लाइन और जो हम लाइन फाइंड आउट की है दोनों में कॉमन है। एक्स कॉमा वाई दोनों कॉमन है कि नहीं, यानी एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट जो एक्स कॉमा वाई निकलेगा यहां से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आर कॉस 60 प्लस 1 और y इज इक्वल टू आर साइन 60 प्लस 2। जो ये पॉइंट निकलेगा ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो ये वाला पॉइंट जो हमको ये लाइन x plus y इज इक्वल टू 6 दी गई है इसको सेटिस्फाई करेगा। ये इस लाइन में भी x कॉमा वाई है और इस लाइन में भी x कॉमा वाई है, दोनों में x कॉमा वाई कॉमन हो गया तो x कॉमा वाई सेकंड लाइन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। ये हमने बताया था अभी बताया था कि इस लाइन में x कॉमा वाई कहीं भी ले सकते हैं कितनी बार ले सकते हैं, और एक x कॉमा वाई इसमें भी है तो दोनों का x कॉमा वाई कॉमन होगा तो इसमें सेटिस्फाई करवा दो r cos थीटा r cos 60 r cos 60 प्लस 1 इसमें सेटिस्फाई करा रहे हैं प्लस r sin 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 r की वैल्यू निकाल लो। r निकालना r डिस्टेंस ap होता है तो r कॉमन r r ये 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 आंसर जो लिखा हुआ उसमें 3 और ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 लिखा है 3 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 और प्लस ये हो गया r फिर लिख लो रूट 3/2 इज इक्वल टू कितना 3 आ गया ये 1 प्लस 2 3 हो गया 3 को घटाएंगे 6 अब ये कितना हुआ r कॉमन ले लिया तो 1 प्लस रूट 3 तो ये कितना हुआ r इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 रूट 3 प्लस 1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो आंसर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 नीचे a प्लस बी ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्चुअली क्या इसको कॉन्जुगेट नहीं बोलते हैं, कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको बोलते हैं स्लाइस करना, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना बोल दिया जाता है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट नहीं स्लाइस करना बोलते हैं इसको, लेकिन एक हम लोग जो कॉमन लैंग्वेज है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ना। ये आप अगर मैनुअल मेथड से करो तो आंसर ही देख लो इतना टिपिकल सा टाइप का आंसर है, अंडर रूट के अंदर निकालोगे मैच ही नहीं करा पाओगे आंसर, क्योंकि वो 3√3 − 3 का होल स्क्वायर बनेगा अंदर, तो पहली बात तो समझ पाओगे कि बना के लिए बना स्क्वायर, इसलिए इस मेथड करना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है पूछना, क्योंकि हम बहुत आराम आराम से क्वेश्चन करने है वाले, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म का लगभग हम हर साल क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन 2x − 3y प्लस 9 2x − 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मेजर्ड अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस
रिपीट कर दो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मेजर्ड अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस। सेम क्वेश्चन है, केवल तुम लोगों को इसलिए रिपीट किया है कि तुमको तक आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कॉपी करो इस क्वेश्चन को, बस पॉइंट चेंज करते जाओ। सेम कॉपी कर दो केवल, कुछ कुछ नहीं करना। पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया गया है 1,2,3 एक्स माइनस 2 अपॉन कॉस 45 वाई माइनस 4√2 2,3 है एक्स माइनस 2 अपॉन कॉस 45 वाई माइनस 3 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू आर, और जो लाइन दी गई उसमें सेटिस्फाई करा दो ले आके। लाइन दी गई इसमें 2x प्लस 3y नहीं 2x माइनस 3y प्लस 9 उसमें सेटिस्फाई करा दो, r की वैल्यू 4√2 आ जाएगी। मतलब बिल्कुल सिमिलर लाइन पे रिपीट करते चलो, मतलब जैसे जैसे लिखते जाओ बस केवल पॉइंट चेंज करते जाना, सिमिलर लाइन कॉपी कर दो पूरी। यहां पे कितना आ जाएगा x is equal to r cos 45 प्लस 2 और y r sin 45 प्लस 3 और उसको 2x माइनस 3y प्लस 9 में सेटिस्फाई करा दो, r की वैल्यू निकाल दो, 4√2 आएगी 4√2। चलिए इसलिए रिपीट किया था क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया कहीं। अब इसके बाद वो क्वेश्चन करवाना है जो एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। The points 1,3 and 5,1 are two opposite vertices. Are two opposite vertices of a rectangle. Two opposite vertices of a rectangle. Full stop. The other two vertices lies on the line. The other two vertices lies on the line y is equal to 2x plus c. Y is equal to 2x plus c. Find other vertices and c. Repeat kar rahe the points 1,3 and 5,1 are two opposite vertices of a rectangle. Full stop. The other two vertices lies on the line y is equal to 2x plus c. Find the other vertices and c. सबसे पहले c निकाल लो, बाकी other vertices हम बता रहे हैं। c निकालो, other vertices बता रहे हैं। c के लिए वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी कहे थे एक दो क्लास पहले किया था कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती हैं मिड पॉइंट पे कट करती हैं। तो रेक्टेंगल की डायगोनल्स भी मिड पॉइंट पर कट करती है, इससे सी निकल आएगा, बाकी वर्टिसेस बता रहे हैं। वन थ्री फाइव वन हाँ सी माइनस पर है।
सी माइनस हो रहा है। अब ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। अब इसमें जो इसके डायगनल्स हैं वो मिड पॉइंट पे कट करेंगे, तो डायगनल्स मिड पॉइंट पे कट करेंगे। तो पहले ए और ए सी का मिड पॉइंट ले लोगे क्या आ जाएगा, ए सी से मिड पॉइंट निकालेंगे ई कितना है 3 कॉमा, समझ आया ना, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये लाइन किसके अलोंग जा रही है, ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी के अलोंग जा रही है, तो ये 3 कॉमा 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस हो जा रही है, सी निकालना आसान था, सी में कोई दिक्कत, सी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो अदर टू वर्टिसेस है वो फाइंड आउट, जैसे हमने अभी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन किया था उसमें थर्ड वर्टेक्स दी गई तो फोर्थ निकालनी थी, अब की बार दोनों नहीं ली गई, दो दी गई है, दो गायब है इसमें गई थे, अगर तीसरी दी गई होती तो मिड पॉइंट वाला लगा देते कॉन्सेप्ट और मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट आ जाता, लेकिन यहाँ दोनों नहीं दी गई है, समझ आ रहा है ये स्टेप। जो अदर डायगोनल्स थी वो लाई कर रही थी इस लाइन के ऊपर, तो मिड पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू से जो हमको आधा टू पॉइंट निकालना, तो सी से कोई मतलब नहीं, सी अलग कॉन्सेप्ट था, वो दो पॉइंट अलग निकालने हैं। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा ई पॉइंट को मालूम है 3.2, बहुत ध्यान देना कहीं था 3.2, हाँ बी और डी आपस में इक्वल हैं, या कह सकते ए और सी भी इक्वल हैं आपस में, लेकिन ये निकले कैसे, इक्वल तो है, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, निकालना पॉइंट है यहाँ पर, तो पहले हमने ए सी डिस्टेंस निकाला, नहीं मिड पॉइंट से क्या करोगे, दो पॉइंट दोनों गायब हैं पॉइंट, अगर एक को एक्स वन वाई वन मानोगे एक्स टू वाई टू मानोगे इक्वेशन दो ही बनेगी। अब इसमें कही थे ये हमारे पास ए सी डिस्टेंस कितना हुआ, अभी नोट नहीं करना, बिल्कुल ध्यान समझो पहले इसको, क्योंकि हमने कहा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़े से। ए सी डिस्टेंस कितनी होगी, 5 - 1 का होल स्क्वायर और 1 - 3 का होल स्क्वायर, 16 × 4 = 20, 2√5 एसी हो गया, 2√5 अंडर रूट 20 आएगा, अंडर रूट 20 को 2√5 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, डीबी के बराबर, और हमारे पास ईबी कितना होगा, हमें जब पॉइंट, अभी हमने कई क्वेश्चन किए उसमें पॉइंट भी निकालने के लिए पहला क्वेश्चन पॉइंट का ही था, तो जिसमें 7.5 वो -1.-1 आया था, तो अब इसमें पॉइंट निकालने के लिए हमें 3 चीज़ जरूरत होती है, एक फिक्स पॉइंट मालूम होना चाहिए, एक स्लोप का एंगल मालूम होना चाहिए और डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, 3 चीज़ मालूम हो तो पॉइंट निकल आएगा। डिस्टेंस हमको मालूम पड़ गई, हमें ई पॉइंट मालूम है, ई से बी के डिस्टेंस मालूम पड़ गई, √5 है, यानी √5 डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकालना है, वो उधर -√5 होगा, वो दोनों निकल आएंगे साथ, √5 डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकालना है। स्लोप वाला एंगल क्या है, स्लोप वाला एंगल स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, एंगल छोड़ो स्लोप क्या है इसकी, डीबी लाइन की स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ डीबी लाइन ये लिखेंगे, टू लाइन y इक्वल टू mx + c होती है, तो y इक्वल mx + c से कंपेयर करो स्लोप कितनी हो गई, और ये किसके बराबर है, tan थीटा होता है, तो ये कितना आएगा। अब इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई स्टेप समझ में आया हो तो आगे बताएं, क्योंकि इसके बाद एक लाइन लिखनी है बस हमको, अगर कोई भी स्टेप समझ में आया तो पूछ लेना कहीं पे, दो जैसे tan थीटा दिया होता है तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 हो गया, 2 × 1, इसके बाद वो पाइथागोरस √5 भाई, हमको sin थीटा निकालना तो हाइपोटेनस निकालना पड़ता है, तो tan थीटा से हमारा कहते हैं परपेंडिकुलर बेस निकल आता है, हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस, नोट करते वक्त सिस्टमैटिक समझते जाना कि हमने क्या क्या करना है क्वेश्चन में, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें आगे के स्टेप नहीं मालूम होता क्या करें, बीच में रुक जाता है, अब आगे क्या करें, वहीं रुक गए वहीं पे जाके,
थीटा लाइन कहते हैं। हाँ वाई को एम एक्स प्लस सी होती है, निकाल लेते हैं। और वैसे भी हमने बताया था माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, कैसे कर लो ये हम ट्रायंगल बना के इसलिए करते हैं, ट्रायंगल आसान पड़ता है, तो हम एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव बात छोड़ो। बुक वाले क्या करते हैं उसको फार्मूला लगाते हैं टेन थीटा से, तो फार्मूला नहीं करो इससे करो सीधे, एक लाइन में आता है उसमें फार्मूला लगाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भूल गए तो और मुसीबत वहाँ पे गई थी, आगे बढ़ेगी नहीं क्वेश्चन गई थे। और ट्रायंगल बना दो फार्मूला की याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब अपने हिसाब से बताओ बी पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, सब कुछ वहाँ पास इन्फॉर्मेशन है, एक पॉइंट दिया है एक्स माइनस थ्री, स्लोप का एंगल दिया हुआ है वाई माइनस टू इक्वल टू चाहो तो प्लस माइनस रूट फाइव लिख दो, यार मैं क्वाड्रेट वाला कॉन्सेप्ट बताया है, मतलब इससे भी गलती कभी नहीं होती है, मतलब ये सोचो इससे गलती हो जाए, गलती कभी भी नहीं होती। अब एक बार प्लस रूट फाइव लेकर निकालो, एक बार माइनस रूट फाइव लेकर निकालो, एक बार बी पॉइंट आएगा एक बार डी पॉइंट आएगा, दो पॉइंट आते हैं ये डिसाइड नहीं कर सकते बी कौन सा है डी कौन सा है, ये मालूम है बी और डी के कोऑर्डिनेट्स है कौन सा बी डी आपस में आइडेंटिफाई नहीं होता। तो अब इसमें क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट फाइव दो बार करना है, एक बार प्लस रूट फाइव लेके दोनों, एक बार दोनों माइनस रूट फाइव लेके, उधर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी टू अपॉन रूट फाइव और कॉस थीटा की वन अपॉन, निकालो आंसर निकालो। अब इसमें देखोगे कि पैरामीट्रिक क्वेश्चन में कई चीज मिक्स कर दी, बुक में ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक से नहीं किया गया, बुक में मैनुअल मेथड से किया गया, उन्होंने लाइन निकाली फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला फिर डिस्टेंस निकाली है फिर फार्मूला लगाया, और पैरामीट्रिक से बहुत छोटा होता समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पैरामीट्रिक से बहुत आसान है, बुक में सोल्यूशन देखोगे बहुत बड़ा सोल्यूशन है इसका, और इस सबसे आसानी होती है सोल्यूशन छोटा होता है और कैलकुलेशन है ही नहीं तो गलती होनी नहीं है, जब डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे और इसके बाद एक्स वन वाई वन रखो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन गलती होने की संभावनाएं बन जाती हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन है ही नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। पॉइंट लिखा है हमारे पास, आंसर है हमारे पास सी की वैल्यू माइनस फोर कॉमा फोर टू कॉमा जीरो, फोर कॉमा फोर और टू कॉमा जीरो, फोर कॉमा फोर और टू कॉमा जीरो, एक बार प्लस लेके करेंगे एक बार माइनस लेके करेंगे तो एक से टू जीरो आएगा एक से फोर फोर आएगा, हो गया ना कंप्लीट, दो निकाल लेना, एक से फोर कॉमा फोर आ रहा है और एक टू कॉमा जीरो आ रहा है, आंसर लिख लो 4.4 और 2.0, अगर बाय द वे सॉल्व होने में टाइम लग रहा तो आंसर लिख लो बाद में कर लेना, जगह छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द स्ट्रेट लाइन 5x minus y is equal to 4 and 3x plus 4y minus 4, 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at the point 1.5 find the equation of the line, find the equation of the line। पहले दो बार दो तीन बार क्वेश्चन पढ़ो इसके हम समझाते हैं क्या है, पहले अपने आप समझने की कोशिश करो फिर हम बता रहे हैं। ये
ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल नहीं है लाइन बाइसेक्ट हो नहीं बाइसेक्ट नहीं हो रही है बाइसेक्ट तो हमको जो लाइन बाइसेक्ट हो रही है वो फाइंड आउट करनी है ये दो लाइनें हैं हमने क्या इसलिए पूछा कंफ्यूज मत होना पैरेलल नहीं है लाइनें तो एक लाइन है 5x - y = 4 और एक है 3x ये दोनों लाइनें हैं ऑब्वियस है पैरेलल लाइन तो कहीं ना कहीं कट करेंगे कट तुम कट बनाओ ना बनाओ संता नहीं पड़ता ये दो लाइन है अब हमको एक लाइन ऐसी फाइंड आउट करनी है कि इसके लाइन के बीच में सेगमेंट है सेगमेंट का टुकड़ा है तो इसके टुकड़े कितने होंगे इसमें तमाम टुकड़े होंगे इसके ये सब टुकड़े हैं ये वाला ये ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे इसको बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं बीच में इस लाइन के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेगमेंट्स इसमें काम को उस सेगमेंट की लाइन बतानी है जो 1.5 पे बाइसेक्ट हो रहा मतलब 1.5 पर अर्धक हो रहा है तो मतलब सेगमेंट ना सेगमेंट खूब सारे बन रहे हैं अब ये वाला सेगमेंट है यहाँ पे बाइसेक्ट होगा ये यहाँ पे बाइसेक्ट होगा ये यहाँ बाइसेक्ट होगा सभी पॉइंट 1.5 थोड़ी ना हो जाएंगे 1.5 का तो कोई एक ही लाइन बनेंगे ना जो 1.5 पर होंगे फिर एक बार समझा रहे हैं इसको ये लाइन आपस में कहीं कट कर रही होंगी वो कट कर गई यहाँ पर अब इसके बीच में एक बार दोबारा फिगर बना दे रहे हैं अब ये लाइनें दो लाइनें अब इसके बीच में सेगमेंट कैसे बना होगा सेगमेंट खूब सारे सेगमेंट है कोई भी सेगमेंट बना लो ये सेगमेंट है ये है ये सेगमेंट है कितने भी सेगमेंट है अब इसमें काम को केवल उस सेगमेंट मतलब उस टुकड़े की इक्वेशन निकालनी है जो कि 1.5 पे बाइसेक्ट हो रहा है ये वाला बाइसेक्ट कहां पर होगा यहां पर होगा ये इस जगह पर होगा ये यहां पर होगा तो सभी 1.5 थोड़ी ना आ जाएंगे 1.5 या तो ये वाला होगा तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है अगर 1.5 ये वाला तो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है अगर 1.5 ये वाला तो ये वाला मतलब आपको एक ही लाइन निकालनी है जो 1.5 पे बाइसेक्ट हो रहा है तो 1.5 पे बाइसेक्ट हो रहा है अब केवल एक ही सेगमेंट बना रहे हैं ये समझाने के लिए बनाए थे अब एक सेगमेंट बना लिया ये 1.5 पे बाइसेक्ट हो रहा है 1.5 पे बाइसेक्ट इस लाइन की क्वेश्चन निकाल ली है तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी x माइनस 1/cos cos थीटा ठीक है x माइनस 1/cos θ इज इक्वल टू y माइनस 5/sin θ इज इक्वल टू r अब इसमें तुम्हारे पास थीटा भी नहीं है और r भी नहीं है दो चीज नहीं है लेकिन दो अलग अलग लाइनें हमको दी गई हैं एक लाइन दी गई है 5x माइनस y इज इक्वल टू 4 और एक दी गई है 3x प्लस 4y -4 जैसा लिखा हुआ है अब अगर हम ये इससे हम x = निकालते हैं x = r cos थीटा + 1 और y = r sin थीटा ये आ गया अभी भी नोट लेना ध्यान से समझना पहले हमने कहा सब मुश्किल क्वेश्चंस में है कह दिया x is equal to r cos theta plus 1 और r is y is equal to r sin theta plus 5 अगर हम इस वाली लाइन में सेटिस्फाई करा दें तो डिस्टेंस कौन सी निकलेगी ये मान लो c है ये a है ये b है अगर हम 5x minus y is equal to 4 वाली लाइन में ये सेटिस्फाई करवाएं तो डिस्टेंस कौन सी निकलेगी a से डिस्टेंस निकलेगी वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो आर के बराबर होती है हमने वेरिएबल पॉइंट x, y यही मान लिया
तो x कॉमा y इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें सेटिस्फाई करो 5x माइनस y इज इक्वल टू 4 में। फाइव एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, तो फाइव आर कॉस थीटा प्लस वन माइनस आर साइन थीटा प्लस फाइव, फाइव आर कॉस थीटा प्लस फाइव माइनस आर साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर। आर कॉमन हो गया, फाइव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पांच से पांच कट गया चार, आर इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव कॉस थीटा। चेक कर लेना कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। ये किसके बराबर हुआ यार, किसके बराबर है, इसी बराबर है कि नहीं है? ध्यान मतलब इसलिए बार बार पूछते हैं उन लोगों को कि क्लास में इन्वॉल्व हो और समझ में आए कि तुमको जो हम बता रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया। तो एसी के बराबर है ये, अब भी वो दूसरे में सेटिस्फाई करा के बीसी निकालो, दूसरे में सेटिस्फाई करा के बीसी निकालो। बीसी अपने आप निकालो, जो बताओ वो लिखेंगे यहाँ पर, हम कर लेंगे सॉल्व। दूसरी में सेटिस्फाई कराओ बीसी निकालो, माइनस 19 अपॉन आ गया सबका कहीं था। अब एसी और बीसी बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है, एसी और बीसी को आपस में इक्वल करना है। लेकिन ध्यान में रखना, अभी हमने बताया था, अभी साइन कन्वेंशन बाकी रह गया बताने के लिए, इसके पहले बता चुके हैं। अगर पॉइंट बीच में पॉइंट का एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है, तो अगर एसी पॉजिटिव होगा तो बीसी नेगेटिव होगा, और बीसी पॉजिटिव होगा तो एसी नेगेटिव होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू, एसी इज इक्वल टू माइनस बीसी कर दो या बीसी इज इक्वल टू माइनस एसी कर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, समझ आए ना, बीच में है तो एक साइड प्लस होगी तो एक साइड माइनस होगी, तो एसी इज इक्वल टू माइनस बीसी करके टेन थीटा निकालो। ये क्लियर हो गया, थ्री कॉमा टू बीच में है तो एक साइड अगर प्लस लेंगे तो दूसरा साइड माइनस हो जाएगा। किसी भी पॉइंट में कहीं भी ले, मतलब मिड पॉइंट से मतलब नहीं है, ये लाइन दी गई है, ये इधर का प्लस है तो इधर का माइनस हो गया, एक साइड प्लस होता है तो एक साइड माइनस होता है। और ये अभी सर्किल बहुत यूज करना हम हो गए थे, साइन कन्वेंशन पूरा पढ़ाते हैं इसलिए गए थे। तो आप एसी इज इक्वल टू माइनस बीसी कर लो या बीसी इज इक्वल टू माइनस एसी कर लो, अंतर को नहीं पड़ता क्योंकि ये नहीं मालूम एसी वाला प्लस है कि बीसी वाला प्लस है। इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थीटा निकालो, 83 अपॉन 35 शायद आता है, एक बार करके देख लो, 10 थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन वाले एक साथ लो कॉस वाले एक साथ लो, डिवाइड कर दो 10 थीटा आ जाएगा। ये नोट हो गया ये वाला पॉइंट, एसी 4 अपॉन 5 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ये कितना हुआ 12 कॉस थीटा प्लस 16 साइन थीटा, 95 कॉस थीटा माइनस 19 साइन थीटा, 83 cos theta
इज इक्वल टू तो टेन थीटा इज इक्वल टू एटी थ्री अपॉन 35 हो गया। आप तुमको इक्वेशन निकालनी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, y माइनस 5 इज इक्वल टू 10 थीटा इंटू एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा, और 10 थीटा की वैल्यू लिखिए, लाइन आ गई। यहां से करोगे कितना आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दो, अब वैसे भी वैसे ना इससे करो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एम टाइम्स, एक हमको पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम पड़ गई, स्लोप ही निकालनी थी खाली हमको, यहां से हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा, ये मालूम है केवल 10 थीटा की वैल्यू 83 अपॉन 35 लगा दो आंसर, माइनस बी सी था ना, ये था ए सी इज इक्वल टू माइनस का कंफ्यूजन तुम लोग को हो रहा है, ए सी इज इक्वल टू माइनस बी सी, कहां पे बताओ हमको कहां की दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3.5, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3.5 फ्रॉम द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल 0, 2x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, रिपीट कर देना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3.5 from the line 2x plus 3y minus 14 is equal to 0, measured parallel to the line x minus 2y is equal to 1, same question है जो अभी हमने second example करवाया था, epic distance करवाई थी, same question है बिल्कुल, repeat 14 14, जो अभी सेकंड एग्जांपल कराया था इसमें एपिक डिस्टेंस निकाली थी, एक बार एक क्वेश्चन तुम लोग अपने आप किया था, एक आंसर आया था 3√3-1 और दूसरे का 4√2 निकाला था, वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया हमने, थोड़ा सा बस लैंग्वेज में एक चेंज हुआ है, पैरेलल का मतलब हो गया स्लोप हमको उससे मिल जाएगी, पैरेलल का मतलब हुआ जैसे उसमें एंगल 60 दिया था, एक बार 45 दिया था, अब की बार पैरेलल दिया स्लोप वहां से ले लेंगे, हां हां उससे ले लेंगे, स्लोप है इसकी 1/2, को माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 की स्लोप कितनी हुई 1/2, तो ही स्लोप, तो tan थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई, ट्रायंगल बना के स्लोप निकाल लो गाइस,
एपी डिस्टेंस निकालनी है, और जो लाइन गिवन है वो लाइन किसके पहले लिखी गई है? ये वाली जो लाइन एपी लाइन है वो इसके पैरेलल खींची गई है, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल खींची गई है। तो इसका स्लोप कितना हुआ? वन बाई टू हो गया। जो पहले सेकंड क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन तो है। x माइनस x इक्वल कितना आ गया? r cos थीटा प्लस 3 और y इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस 5। अब इसमें सेटिस्फाई करा दो लाइन में, इस लाइन में सेटिस्फाई करो, r की वैल्यू निकाल ली, थीटा तुमको मालूम है, थीटा की वैल्यू रख दो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 2 टाइम्स ऑफ r cos थीटा प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ r sin थीटा प्लस 7 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 7 2 अपॉन रूट 5 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन रूट 5 प्लस 3 इंटू 5 आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस बता देते हैं, डिस्टेंस है इसलिए प्लस कर देते हैं। कहाँ 3 कहाँ आएगा? 2 3 4 3 7 7 7 कट जाएगा, रूट 5 तो आएगा ऊपर खाली। डिस्टेंस प्लस कर, वैसे तो माइनस लिखी नहीं होगी वहां पर, ऑप्शन में प्लस ही लिखी होगी, लेकिन डिस्टेंस प्लस होती है इसलिए प्लस कर दी जाती है। ये जो लास्ट के में 3 क्वेश्चन कराए, तीनों एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, इसको यहीं पे हम कर रहे हैं कंप्लीट, और इसको पैरामीट्रिक करना कंप्लीट, तो यहीं पे क्लास बंद कर रहे हैं आज का, ठीक है।